कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन किया गया है, जिसकी वजह से सभी कार्यों पर ब्रेक लग गया है। इसी क्रम में गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 9 पर चौड़ीकरण का काम भी बंद कर दिया गया था, लेकिन अब नेशनल हाईवे 9 पर काम पुनः शुरू कर दिया गया है। यूपी गेट से डासना के बीच 5 स्थानों पर 200 मजदूरों के साथ मशीनरी के साथ काम शुरू कर दिया गया। प्रोजेक्ट की निगरानी करने वाले एक्सपर्ट एवं इंजीनियर लॉकडाउन में अलग अलग राज्यों में फंस गए थे, जिन्हें लाने की तैयारी भी की जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 70% काम मार्च में पूरा कर दिया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते काम ब्रेक हो गया था, वहीं अब रुका हुआ काम शुरू किया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हम लोग बना रहे हैं। अच्छा, ये देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है तक का। हाँ, भारत माला के लॉकडाउन में छूट मिली है क्या? जी हाँ, सरकार की तरफ से हमको उपलब्ध किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ 1000 मैन पावर था, उसको कंपनी ने करीब 1.5 महीना बैठा के चलाया। अब जो कंपनियों की हालत के हिसाब से वो कंपनी को काम भी चाहिए ना, क्योंकि लोग बैठे थे उनको काम भी चाहिए था, इसलिए कंपनी ने परमिशन लेकर काम शुरू करा। किस तरीके की छूटें मिली हैं? नहीं, अब छूटे काम तो मिली, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सरकार के नियम के हिसाब से उनको काम करना, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, हेल्थ सेफ्टी के साथ।